तो कंपटीशन कम्युनिटी अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर देने जा रहा है महा डिस्काउंट। प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी, ना पड़े आपकी जेब पर भार। तो इस बुरे वक्त को अपना कम्फर्ट जोन ना बनाए, हमारे साथ कंपटीशन कम्युनिटी से जुड़े। ऐसी परिस्थिति में कंपटीशन कम्युनिटी हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें हम ला रहे हैं महा डिस्काउंट, जिसके तहत कंपटीशन कम्युनिटी के वीडियो कोर्स, ऑडियो कोर्स एवं बुक्स में 30-65% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये ऑफर केवल और केवल 26, 27 और 28 जुलाई के लिए। और आप इस जानकारी को अपने और भी दोस्तों तक पहुंचाएं। और इन सभी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 21 जुलाई तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 22 जुलाई से लेकर आज तक 28 जुलाई तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सब का हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में आप लोगों का एक डाउट था, वो डाउट इस प्रकार से था कि बस्तर का दशहरा 104 दिनों का मनाया जाएगा कि 105 दिनों का। देखिए कुछ न्यूज़पेपर्स में 104 दिन दिया हुआ है और कई कई सोर्सेज में 105 दिन भी दिया हुआ है। तो मेरा आपसे कहना ये है कि आप अभी 104 दिन को भी मत मानिए, 105 दिन को भी मत मानिए, थोड़े दिन रुक जाइए, बस्तर का दशहरा स्टार्ट होने दीजिए, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि वो 104 दिन का होगा या 105 दिन का होगा। तो इस पर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा या मैं भी आगे आपको अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से और करना चाहता हूं। कंपटीशन कम्युनिटी का जो ये महा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है इसका आज आखिरी दिन है। और मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ा करते थे तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा अब ऑनलाइन पे, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। तो आप प्रतीक्षा करना चाहते हैं या ऑनलाइन मोड पे आना चाहते हैं ये आपके हाथों में है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मोड पे अभी नहीं आते तो आप कहीं ना कहीं खुद को पीछे ढकेल रहे हो, अपने टारगेट से दूर जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तो आपके पास में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आज लास्ट डेट है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, सारे प्रीलिम्स, मेंस, एसीएफ, ऑडियो कोर्स या फिर बुक्स आप वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर जो स्क्रीन के ऊपर में दिया हुआ है वहाँ कॉल करें और इन सारे ऑफर्स का लाभ जरूर उठाएं और घर बैठकर अपनी तैयारी को निरंतर जरूर जारी रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहला आज का सवाल है, ये जो भी सवाल है पिछले वीडियो में हमने जितना टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसी के आधार पर है। तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत प्रथम दिवस लगभग कितने क्विंटल गोबर की खरीदी की गई। ऑप्शन है यहाँ पर 1000 क्विंटल, 2000 क्विंटल, 3000 क्विंटल या फिर 4000 क्विंटल, जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और एक सवाल और था गोधन न्याय योजना से संबंधित कि गोबर किस प्रकार का खरीदा जाएगा, तो इसका भी एक आंसर है, गोबर का जो प्रकार होगा वो अर्ध शुष्क का होना चाहिए, यानी कि आधा सूखा ही गोबर खरीदा जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष हरेली तिहार कब मनाया गया, 20 जुलाई, 19 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 17 जुलाई, जवाब इसका भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हरेली त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा किस नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका जारी किया गया है, हरियर भुइयां, हरियर छत्तीसगढ़, हरियर वन या फिर हरियर प्रदेश, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए आज का पहला टॉपिक एनालिसिस हम लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में
15 संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई है, जिसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपोजिशन पार्टी की तरफ से। ना सिर्फ स्टेट लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे भी इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर संसदीय सचिव कौन सा ऐसा पद है जिसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसका छत्तीसगढ़ में अपॉइंटमेंट किया गया है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति जो है वो हाल ही में किया गया है और गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि गोपनीयता की शपथ अगर कुछ होता है तो वो तो या तो राज्यपाल या तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो यहाँ पर गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री द्वारा कैसे दिलाया गया? वो इसलिए दिलाया गया क्योंकि यह एक संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, 15 का नाम अगर आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, अगर आप चाहोगे तो PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, और टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। पिछला PDF भी मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं करवा पाया था कुछ कारणवश से, तो दोनों का PDF जो है मैं कल या परसों तक आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पर बस देख लीजिए, जो भी विधायक को संसदीय सचिव का दर्जा दिया गया है, रायपुर संभाग से 5 हैं, सरगुजा से यहाँ पर आपको 4 मिल जाएंगे, दुर्ग से 3 मिल जाएंगे, बस्तर से 2 और बिलासपुर से 1 विधायक को यहाँ पर संसदीय सचिव का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर संसदीय सचिव बनाया गया है तो इनको जो फैसिलिटी है वो मंत्री वाला दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो संसदीय सचिव हैं इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, यानी कि जो फैसिलिटीज कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है वो सारे फैसिलिटीज इन संसदीय सचिवों को भी दिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप इन संसदीय सचिव को लाभ का पद के तौर पर कह सकते हो, लेकिन अब आप यहाँ पर कहोगे कि सर आर्टिकल 191A के तहत में कहा गया है कि अगर कोई विधायक या सांसद लाभ के पद पर काबिज रहते हैं तो उनको वहाँ से हटाया जा सकता है, यानी कि उनका जो विधायक या सांसद हैं उस पद से उनको हटाया जा सकता है। तो फिर ये लाभ के पद पर कैसे काबिज हो सकते हैं? वो 191A जो है क्या है, हमारे संविधान में उल्लेखित है, यानी कि विधायक और सांसद लाभ के पद पर नहीं रह सकते। लेकिन राज्यों को भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, राज्यों को भी यहाँ पर पावर दिया गया है, वो अपना कानून बना सकते हैं। तो राज्यों ने यहाँ पर क्या किया, अपना अपना कानून बना लिया और उसी कानून के तहत में संसदीय सचिव की व्याख्या कर दी। देखिए एक्चुअल में संसदीय सचिव को ना, इसको कभी हम बहुत विस्तार से समझेंगे, आज बस थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए। संसदीय सचिव इसलिए बनाया जाता है, एक्चुअल में बता रहा हूँ, अगर मान लो किसी राज्य में 100 विधायक हैं तो इन 100 विधायक में मंत्री कितने होंगे? 15, क्योंकि जितने विधायक हैं उसके 15% तक ही मंत्री आप बना सकते हैं, ये कानून बना हुआ है। अब 15% से ज़्यादा लोगों को आप मंत्री बना नहीं सकते और बाकी के जो विधायक हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं। तो विधायकों को खुश करने के लिए कुछ राज्यों ने यहाँ पर संसदीय सचिव का पद ले आया ताकि उनको कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा दिया जा सके इन मंत्रियों का संसदीय सचिव बनाकर। इसीलिए संसदीय सचिव का पद लाया गया है। कब लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, हाई कोर्ट का क्या कहना है, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई है, जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और किस आधार पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के 2 नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने शपथ ले ली है। ये 2 राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं? पहला का नाम है KTS तुलसी और दूसरा का नाम है फूलो देवी नेताम। फूलो देवी नेताम जो हैं आदिवासी बहुल इलाके बस्तर से आती हैं, उस रीजन में ये विधायक भी रह चुकी हैं और वर्तमान समय में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा अगर KTS तुलसी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं और देश के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ का जो 2 सीट खाली हुआ था राज्यसभा का, वहाँ से राज्यसभा के सांसद नियुक्त किए गए हैं और शपथ भी ले लिए हैं। अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि 2 नियुक्ति अभी हो चुकी है और दोनों ने शपथ भी ले लिया है, और इन दोनों ने किन की जगह पर शपथ ली है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। इसके अलावा आप यहां पर एक फैक्ट और समझिए कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। तो 5 सीटों में 2 सांसद ये हो गए, 3 सांसद और हैं, रामविचार नेताम, इसके अलावा सरोज पांडे और इसके अलावा
छाया वर्मा। और ये भी समय याद रखिएगा कि 5 राज्यसभा सांसद में से 3 राज्यसभा सांसद जो छत्तीसगढ़ की हैं वो महिला हैं, जिसमें से छाया वर्मा, सरोज पांडे और अब फूलो देवी नेताम। ठीक है, तो इस तरह से राज्यसभा सांसद के बारे में याद रखिएगा, वन डे एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और ख़ासकर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। और अभी हाल ही में पूरे देश में लगभग 44 से 45 राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली है। ठीक, और राज्यसभा सांसदों को शपथ किसने दिलाया? वेंकैया नायडू ने दिलाया, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, एनटीपीसी लारा की दूसरी यूनिट का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। 800 मेगावाट का ये यूनिट है और लगभग अब एनटीपीसी लारा का जो पहला प्रोजेक्ट था 1800 मेगावाट का, वो कंप्लीट होने की ओर है। और अगर ये 1800 मेगावाट बहुत जल्द शुरू हो जाता है तो टोटल एनटीपीसी की जो क्षमता है पूरे देश में वो 62,910 मेगावाट का हो जाएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, लारा एनटीपीसी का टारगेट है 4,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करना। लारा एनटीपीसी कौन से ज़िले में स्थित है? रायगढ़ ज़िले में स्थित है। इसके अलावा एनटीपीसी की तरफ से छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से पावर प्लांट संचालित किए जा रहे हैं? तो एक आपका कोरबा में संचालित किया जा रहा है जो कि 2600 मेगावाट का है, और एक आपका बिलासपुर सीपत में संचालित किया जा रहा है जो कि लगभग 3000 मेगावाट का है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी याद रखिएगा। एनटीपीसी को फाउंडेड किया गया था 7 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम पर गुरदीप सिंह। ठीक है, और आपको तो इतना पता ही है कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है एनटीपीसी हमारे देश की। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और देश में जितना भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसका लगभग 18% उत्पादन जो है सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी द्वारा ही किया जाता है। इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। देखिए, इसको आपको सीरियसली नहीं लेना है। सीरियसली इसलिए नहीं लेना है क्योंकि नीति आयोग अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की हर महीने रैंकिंग रिलीज करता है और आप लोगों को तो पता है कि लगभग 115 से ज़्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश भर में, और हर महीने रैंकिंग रिलीज़ करता है उन जिलों को मोटिवेट करने के लिए। तो कभी छत्तीसगढ़ से कुछ ज़िले टॉप पर आ जाते हैं, कभी कुछ और राज्य के ज़िले टॉप पर आ जाते हैं। मार्च में भी मैंने पढ़ाया था कि कुछ ज़िले जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाले वो प्रथम स्थान पर आए हैं, कोंडागांव का भी नाम आया था। इसके अलावा पहले भी बीजापुर का नाम आ चुका है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पर आप इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो? आप मुख्य परीक्षा में कर सकते हो। बहुत कम चांसेस हैं कि वन डे के एग्ज़ाम में आपको छत्तीसगढ़ में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो फर्स्ट रैंक आया है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप यहाँ पर वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में जो भी पिछड़े इलाके हैं, जो भी पिछड़े ज़िले हैं, अगर वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर वैल्यू एडिशन ये कर सकते हो कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में छत्तीसगढ़ का ये जिला बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए नीति आयोग ने इसे प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। तो ये जो प्रथम स्थान बीजापुर को प्राप्त हुआ है वो जून 2020 के लिए हुआ है और विभिन्न मानकों के आधार पर बीजापुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए इसको प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में छत्तीसगढ़ के टोटल 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें से जो 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बस्तर संभाग के 7 ज़िले आ जाते हैं। इसके अलावा आपका कोरबा आ जाता है, इसके अलावा महासमुंद और इसके अलावा राजनांदगांव आ जाता है। तो जो 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बारे में याद रखिएगा। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के जो जिले आते हैं उनका आप वैल्यू एडिशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो मुख्य परीक्षा में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, देश की पहली इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक मशीन, यह मशीन लाया गया है एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान गेवरा में, जो कि देश का पहला इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सॉवेल है और इसे लाया गया है
कमास्तु कंपनी की तरफ से, और कमास्तु कंपनी है जर्मनी की कंपनी और इसी कंपनी ने इसे डेवलप किया है। तो आपको इस टॉपिक में याद क्या क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सॉवेल जो है वो लाया गया है कहाँ, एशिया के सबसे बड़ा कोयला खदान जो कि गेवरा कोरबा में स्थित है वहाँ लाया गया है। कौन से देश की कंपनी की तरफ से इसको बनाया गया है, तो कमास्तु जो कि जर्मनी की कंपनी है उसकी तरफ से बनाया गया है। इसकी लागत जो है वो 20 करोड़ रुपए की है, वो भी याद रखिएगा। इसकी क्षमता याद रखिएगा 16 क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है। एक्चुअली सॉवेल का इस्तेमाल जो है कोयला खदानों में किया जाता है लोडिंग के लिए, तो इससे पहले हम डीजल ईंधन से सॉवेल का इस्तेमाल करते आए हैं और अभी कर रहे हैं। और ये देश का पहला इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक होगा जो कि एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान गेवरा के लिए लाया गया है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है राज्य स्वच्छ भारत मिशन देगा 15 श्रेणियों में पुरस्कार। स्वच्छ भारत मिशन 2014 से पूरे देश में संचालित है, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से संचालित है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से संचालित है, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य वाइज भी अलग अलग स्वच्छ भारत मिशन संचालित है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी संचालित है। अब इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा 4,34,00,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है, और यह राशि जो है वितरित कब किया जाएगा, 2 अक्टूबर को, और टोटल यह पुरस्कार जो है 15 श्रेणियों में दिया जाएगा, जिसकी घोषणा जो है छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव जी द्वारा किया गया है। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, पद्मश्री श्री ममता चंद्राकर जी को बनाया गया है खैरागढ़ विश्वविद्यालय का कुलपति। इनको अपॉइंट किसने किया है, तो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने किया है। इनका अगर आप नाम देखोगे तो मोक्षदा चंद्राकर भी इनको कहते हैं, या फिर आप इन्हें ममता चंद्राकर भी कह सकते हो। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि राजनांदगांव के खैरागढ़ में स्थित है, वहां का कुलपति इनको नियुक्त किया गया है। मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका वन डे एग्ज़ाम के लिए। ममता चंद्राकर जी इससे पहले आकाशवाणी में सहायक निर्देशक भी रह चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम ममता चंद्राकर जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1958 को। इससे पहले देश विदेश में इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त किया है, और इसी विश्वविद्यालय द्वारा यानी कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानक उपाधि से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है किनको, ममता चंद्राकर जी को। आपको यहाँ पर एक सवाल का और जवाब देना है कि वर्ष 2020 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानक उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है। ये शायद मैंने फरवरी या मार्च में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको याद होगा तो उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो उसको रिवाइज करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा वर्ष 2016 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, और वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ रत्न से भी इनको अलंकृत किया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में भी जानते हैं। इसकी स्थापना जो है खैरागढ़ रियासत के जो 24वें राजा थे जिनका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह, और रानी पद्मावती द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही 14 अक्टूबर 1956 को किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि उनको संगीत बहुत पसंद था, इसीलिए इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। और इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप इंदिरा गांधी कला विश्वविद्यालय के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम में यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इंदिरा गांधी कला विश्वविद्यालय को कहाँ स्थित है, कब स्थापित किया गया, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बहुत जल्द बिसाहू दास महंत बुनकर पुरस्कार योजना शुरू किया जाने वाला है।
बुनकर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होगा, जिसकी शुरुआत अभी हुई नहीं है, होने वाली है। यहाँ पर बिसाहू दास महंत कौन है? तो अभी वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं चरण दास महंत, और जो उनकी पत्नी है ज्योत्सना महंत, कोरबा से सांसद हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं। यानी कि चरण दास महंत के पिता हैं बिसाहू दास महंत। ये जब छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो उस समय वो अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे। अब इन्हीं के नाम पर बुनकरों के लिए एक योजना बनाया जाएगा, ऐसा घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, और उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। बस अभी फिलहाल इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, घर अंगना जड़ी बूटी की बगिया। यह एक कैंपेन है जो कि कवर्धा वन मंडल की तरफ से शुरू किया गया है। यह एक परंपरागत कैंपेन है जिसे आप कह सकते हो कि घर घर में औषधि के पेड़ लगाए जाने की परंपरा है कवर्धा में, और इस कैंपेन को शुरू किया गया है। कैंपेन का नाम याद रखिएगा, घर अंगना जड़ी बूटी बगिया। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कैंपेन को कौन से जिले में चलाया जा रहा है, और इस कैंपेन के तहत कवर्धा वन मंडल वनवासियों को औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे कवर्धा वन मंडल की तरफ से, और उस औषधीय पौधों को लगाकर वो राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। और अब तक अगर आप देखोगे तो टोटल 20,000 से ज़्यादा पौधों का वितरण जो है उस वन मंडल क्षेत्र में किया जा चुका है। तो बस इस कैंपेन का नाम ध्यान में रखिएगा कि घर अंगना जड़ी बूटी की बगिया छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में संचालित कार्यक्रम है और किस उद्देश्य के साथ में यह संचालित कार्यक्रम है। इतना आप याद रख लोगे तो ये टॉपिक सफिशियंट है, ठीक है। तो आज का था ये हमारा छत्तीसगढ़ का इस सप्ताह का करेंट अफेयर का एनालिसिस। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट रहता है मन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसी तरह से आप कमेंट कर दिया कीजिए, और इसके अलावा जो भी मैंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आज आपसे एक प्रश्न और है जो कि न्यूज़ में था लेकिन वो डिस्कस करने लायक नहीं था। सवाल ये है आपसे कि राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए। तो मैं साथ साथ में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी जो न्यूज़ में रहते हैं, जो जीके से रिलेट करते हैं, तो उसे भी मैं आपसे पूछते चलता हूँ, तो उसका जवाब भी आप देते रहिएगा ताकि आपका जो माइंड है वो क्लिक करते रहे और आपका भी रिविज़न होते रहे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ आज लास्ट डेट है तो महा डिस्काउंट का फायदा उठाना ना भूलें, और घर में बैठकर ऐसे ही समय जाया ना करें, ऐसे ही निगेटिविटी माहौल में ना रहें, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, और पढ़ाई का जो मोड है ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, हमारे कोर्सेज का फायदा जरूर उठाएं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।